आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये है कटहल और ये है प्याज। इनको हम बहुत ही इंस्टेंट तरीके से आज मैं बताने जा रही हूँ। इन दोनों को मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले नॉर्मल जो हम घर में यूज़ करते हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर। ये जितना खाना चाहे उतनी ही रिक्वायरमेंट, मतलब मसाले अपने हिसाब से इसमें आप सेट कर सकते हैं। और ये है हल्दी। हल्दी का वैसे यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, बट इसमें थोड़ा सा जाएगा। इसी के साथ ऐड कर देंगे नमक, मतलब हम सारे मसाले अभी ही ऐड कर देंगे कि ये इजीली और बहुत अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें यूज़ करेंगे सरसों का तेल, ऐसे। अब हम इस मिक्सर को देखिए अच्छे से मिलाएंगे और काफ़ी 2-3 मिनट तक मैरिनेट करके रखेंगे। ये मिक्सर देखिए हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक कुकर रखेंगे, यहाँ मैंने गरम होने रख दिया है। इसमें हम सरसों के तेल डालेंगे, जब तक वो गरम हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा जो है छोंक लगेगा इससे। ये हमारा बहुत फेमस है, इसको पचफोड़ना कहते हैं और तेज़पत्ता। ये हम तेल डालेंगे, उसमें गरम करने के बाद ये डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कटे हुए प्याज, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे बनेगा। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ में से हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे अपनी सारी रेसिपीज़ ऐसे ही वीडियो में आपको बना के दिखाऊँ, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं सारी रेसिपीज़ आपको ऐसे ही वीडियोज़ में बना के दिखाऊँगी प्रॉपर। और इसमें जो मसाला जाएगा मेन, वो ये है, सारे खड़े मसाले हैं इसमें। लहसुन है, तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, जीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी, ये सारे खड़े मसाले इसमें जाएंगे, जो कि हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे फाइन। वो मैं भी आगे दिखाऊंगी वीडियो में कैसे। देख सकते हैं इसमें मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, जो कि काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना ये मसाला, जो कि हमारा फ़ौरन कहते हैं भोजपुरी में बिहार साइड, वो हम यूज़ करेंगे और डाल देंगे ऐसे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये प्याज जो कि बच गए थे, और प्याजों को इसमें यूज़ करेंगे और लाइट ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन इसमें कलर आ जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। और इसके बाद इसमें अपना जो हमने वो मैरिनेट किया हुआ कटहल और प्याज है वो हम डाल देंगे। ये अब कटहल इसमें जा चुका है, दिखने में पूरा फुल हो चुका है, बट डोंट वरी, ये गल जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे। ये जिस बर्तन में हमने कटहल का वो मैरिनेट किया था उसी में हम ये पानी डाल देंगे और कुकर को करेंगे बंद और 3 विसल आने तक हम इसको पकाएंगे। ये हमने लिया मिक्सी का जार। हम जो 3 विसल के बाद जो कटहल की सब्ज़ी रेडी होगी उसमें हम ये डालेंगे पेस्ट बना के। ये देखिए ये हो चुका है पेस्ट रेडी। अब इस पेस्ट से जो फ्लेवर आता है ना, ट्रस्ट में वो एकदम मटन के टेस्ट जैसा आपको फील होगा। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप मटन खा रहे हैं। हमारे मिथिलांचल में कटहल को वेज मटन ही कहा जाता है। हमें अपनी सब्ज़ी में 2 इन्ग्रीडियंट्स ऐड करने हैं, लाइक एक टमाटर और ये पेस्ट। इन दोनों के मिश्रण से जो सब्ज़ी में फ्लेवर और जो कलर आएगा वो आपको देखने में ही टेस्टी लगेगा, ट्रस्ट में। बाकी आगे देखिए, हम अभी आपको दिखाएंगे वीडियो में कि सब्ज़ी कैसे बनी है। हमारी एकदम इंस्टेंट रेसिपी है, आपको 30 मिनट्स के भी टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, अगर आपके पास प्रॉपर सामान है तो। ये देखिए सब्ज़ी को हमने कढ़ाई में पलट लिया है, क्योंकि मुझे कढ़ाई में बनाने में ईजी पड़ता है। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर जो हमने पेस्ट बनाया है वो, और उसको चलाएंगे अच्छे से। देखिए सब्ज़ी चलाने में, ये सारे मसाले मिलाने के बाद आप इसको 10 मिनट पकाइए। 10 मिनट के अंदर ही आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। ये पानी मिलाना है, अगर आप करी चाहते हैं तो हल्का पानी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये। अदरवाइज मैं ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ, रोटी चावल जिसके साथ सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ी हमारी हो चुकी है रेडी। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा खाने में। वैसे तो टेस्टी लग रही है, बाकी आप लोग एक बार बनाइए, खाइए, 100% आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू।